हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज मैं बैक पार्ट के ब्लाउज के बैक पार्ट की सिलाई करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ब्लाउज के गले की कटिंग की है, तो इसकी सिलाई मुझे कैसे करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने अस्तर पर अच्छे से सेट किया है इसको, फिर इस तरह से जैसे मैंने सेट किया, जैसे गले का मार्क किया है वैसे ही इस पर सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा लिया है। अब नीचे की साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने नीचे की साइड से भी इस पे सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसके किनारे किनारे पर छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी ताकि ये पलटने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो, वरना यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे एकदम अजीब सा हो जाता है, फूला हुआ रहता है। अगर आप कट लगाएंगी, आपका धागा नहीं कटना चाहिए, आपके धागे के पास तक ये कपड़ा कट जाना चाहिए, तभी ये फिनिशिंग के साथ कपड़ा पलटा जाएगा और बहुत ही इसकी डिजाइन जो है एकदम क्लीन निकल कर आएगी, एकदम फ्रेश दिखेगा। नहीं तो इसका जो कॉर्नर है वो एकदम दबा सा रहता है, नहीं दिखता है। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इस तरह से मैंने कपड़े को पकड़ा है। अब इसे मैं सीधा पलट लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को पूरा सीधा कर लिया है। अब इसके गले पे लगाना है मुझे लेस, अटैच करना है। तो इसका जो कोना है आपको अच्छे से निकाल लेना है, एकदम बढ़िया से इस पे मैं लेस अटैच करूँगी और नीचे की साइड भी मुझे लेस अटैच करनी है। तो पहले मैं इस पे लगा लेती हूँ, जो प्लेट्स होते हैं वो लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गला है, गले पे मैंने ये मुझे यही लेस लगाना है। तो इसको मैं इस तरह से रखूंगी किनारे पे। ये लेस जो है ऑरेंज में हम इसे घुमा सकते हैं, अगर कोई टाइट लेस होती है तो आपको लूज उसको छोड़ते हुए जाना है, हल्की हल्की प्लेट्स देते जाना है, तब आप लेस को अटैच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका डिज़ाइन है ब्लाउज के गले पे एकदम स्ट्रेट लेस है तो वो लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उस पर छोटे छोटे प्लेट्स डालकर लगा सकती हैं लेस को। लेकिन ये जो लेस है इस पे इसको आप किसी भी तरह से घुमाकर लगा सकती हैं, ये खींचती है थोड़ी थोड़ी और एप टाइप रहती है, तो इसलिए ये अच्छे से बैठ जाती है गले पे। और जहाँ पे इसका कॉर्नर है वहाँ पे मैं बहुत ढीला छोड़ देती हूँ वैसे भी लेस, तभी ये अच्छे से बनेगा। तो देखिए, जैसे इसका गला है सेम इसी तरह से मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गले का सिलाई लगा चुकी हूँ। अब रह गया है इसमें डॉट लगाना, तो डॉट भी मैं लगा लूंगी, फिर ये पीछे का पल्ला जो है फाइनल हो जाएगा। इसमें मुझे अभी डोरी लगानी है और एक गले पे और एक सिलाई मैंने चलाई थी लेस पे, तो ये पूरा नीचे से फाइनल हो गया है। तो देखिए, शोल्डर से जो इसकी शोल्डर है उस वहाँ से बीच सेंटर मिलाते हुए मुझे नीचे की साइड से एक से आधा इंच चाहे एक इंच कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से सिल सकती हैं। और इसकी जो डॉट की लंबाई होती है वो 4 से 4.5 इंच तक रखना है। तो दोनों साइड में सेम इसी तरह से लेस लगा ले सॉरी डॉट लगा लेती हूँ। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को साथ में पकड़े, ये नहीं कि आपका अस्तर सिला जाए और मेन फैब्रिक छूट जाए, फिर आपको सिलाई उधेड़ना पड़ेगा, फिर से लगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से सिलाई लग चुकी है, डॉट भी लग चुका है, गले पे लेस लग चुकी है। अब मैं यहाँ पीठ की साइड भी नीचे की साइड कमर की साइड पे लगा लेती हूँ, लेस अटैच कर लिया है। अब इस तरह से मेरा ये ब्लाउज जो है पीछे का पल्ला ये फाइनल हो गया है। अब इसमें सिर्फ डोरी लगाना रह गया है, तो मैं डोरी भी अटैच कर लूँगी। जैसे आप नॉर्मल किसी भी ब्लाउज में डोरी बनाती हैं सेम वैसे ही इसमें भी डोरी लगाना है, लटकन लगाना है, डोरी अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने लटकन जोड़ लिया है इसमें। अब ये डोरी है, इसको बीच से कट करके दोनों साइड लगाऊंगी। आपको कंधे से 3 इंच से 3.5 इंच की नीचे की दूरी पे डोरी को लगाना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।